दोस्तों, हमारे साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। हम जैसे ही फर्स्ट फेज पर पहुंचे, वैसे ही दोस्तों हम पहुंच चुके हैं गुलमर्ग। ये गुलमर्ग में एंट्री कर रहे हैं हम। नहीं नहीं नहीं, गुलमर्ग ये है दोस्तों। यहाँ का शिव मंदिर जो काफ़ी फेमस है और काफ़ी खूबसूरत है। दोस्तों आप ये पूरी वीडियो देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। आप भी हमारे साथ गंडोला राइड का पूरा मज़ा लेंगे। अब हम ये चारों तरफ चक्कर लगाते हुए गंडोला राइड के लिए जाएंगे। ये होगी यहाँ चिल्ड्रन पार्क, वही है ना, वो चिल्ड्रन पार्क है ना। आप यहाँ की खूबसूरती का नज़ारा देख सकते हैं जो काफ़ी सुंदर है। आज हम आपको गंडोला केबल कार की पूरी राइडिंग बताएंगे। ये देखो दोस्तों, गंडोला राइड के टिकट के लिए कितनी लंबी लाइन लग रही है। और अब थोड़ी थोड़ी बारिश भी आना शुरू हो गई है यहाँ पर। आप चाहें तो यहाँ आने से पहले ऑनलाइन टिकट भी बुक कर सकते हैं। आप सर जी कहाँ से? मोटा रास्ता। आज पहली बार कश्मीर। हाँ, अब हम गंडोला केबल कार में बैठ चुके हैं। ये जो रेड वाला है ना, ये इसलिए इसमें एक ही रेड है क्योंकि सेकंड फेज है ना, वहाँ रेड वाले रूम है। बिल्कुल, ये ग्रीन कलर फर्स्ट फेज है, रेड भी चल रहा है सर। हाँ, सेकंड फेज चल रहा है सर, पूरे टॉप ऑफ द वर्ल्ड है सर। 25,000 फुट ये यहाँ से पूरे ऊपर तक रेड वाले जो केबल कार होती है उसको गुलमर्ग में गंडोला राइड के नाम से जाना जाता है। यह स्थान बारामूला जिले में स्थित है। यहाँ हरे भरे पहाड़ियों की ढलान है जो काफी खूबसूरत लगती है। ये रुक रुक के चलते शायद है। नहीं नहीं नहीं, 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 इसका नीचे में कुछ एक ही फास्ट में जाता है तो पहुंच ही जाते हैं। दीदी 5 मिनट है अभी, हमें बस छोड़े बस बैठ गए। फाटक अपने आप बंद वही करते हैं? नहीं, अभी चलेगा ना सर। नहीं, वहाँ जो ये गेट जो ये खुद ब खुद ऑटोमेटिकली खुलेगा, वहाँ पॉइंट पे पहुंचेगा ना सर। जहाँ अच्छा, उससे पहले नहीं खोल सकते? जैसे अंदर पहले नहीं खोल, वो सही था नैनीताल में। हाँ, ये गार्ड रहता है। हाँ, और बड़ा आराम से, ज्यादा खड़े खड़े जाओगे दिक्कत भी नहीं है। दोस्तों, इस राइडिंग में हमने एक चीज फेस की, इसमें कभी कभी लाइट का इशू आने की वजह से केबल कार बीच में रुक जाती है। इस पूरी राइडिंग में 2-3 बार हमारे साथ भी ये इशू देखने को मिला। मजा आ रहा है? बच्चों को तो क्या पता है, इनको तो मजा आता है। चलो, ऐसे खुशकिस्मत ऊपर वाले भाई खुदा ने भेजे कि मतलब कि पहले बड़े वाले। हां, पहले से देख रहे हैं, सही बड़े वाले से जी जन्नत कश्मीर में घूम चुके हैं। हम इंशाल्लाह बड़े होकर फिर से आओ तो ये फोटो देखेंगे। और क्या अभी इसके इर्द गिर्द पास में जो भी ये पाइन ट्रीज पड़ते हैं ना, सब बांध के इनको ऐसे वो तार से बांध के रखिए जो भी इसके आस पास में। अच्छा, तो हवा से इधर हवा नहीं है ना, गिरेगा भी साइड में गिरेगा, इधर नहीं गिरेगा। इनको पूरी वो बांध के रखिए, वो तार लगा के रखिए। घोड़े पे भी घाटे।
होती जो किन्नौर पे चलते हैं घोड़े से थोड़ा डर लगता है उनका। हाँ सही बात है, डर लगता है वो थोड़ा सा ध्यान नहीं रखे। सही बात। और दो के साथ में एक रहता है, दो पैसे के साथ में एक उसमें से मतलब कोई ओल्ड एज होता है ना सर, उसके साथ में हेल्पर रखना पड़ता है सर, उसको पूरे नीचे से ऊपर तक से घोड़े को वो छोड़ देते हैं आगे। हाँ, आगे, आगे एक चलेगा, एक के साथ में एक ही, वो दो के साथ में एक रहेगा। इतने बड़े तो घोड़े में ही आ जाते हैं। अभी यहाँ पे बारिश शुरू हो गई है बेटा, तो हवा में उड़ रहा था, बारिश चल रही है। हाँ, मौसम खराब हो गया, अब बहुत मौसम बिगड़ेगा यहाँ, इस पे कोई भरोसा नहीं होता है सर। बारिश आ गई घोड़ा जी, गोलमार्ग जैसे मार्केट दे, छोटा सा मार्केट दिख रहा है। दोस्तों हमारे साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, हम जैसे ही फर्स्ट फेज पर पहुंचे वैसे ही मौसम खराब हो गया और इसकी वजह से आगे केबल कार नहीं जा रही है, खराब मौसम की वजह से बंद कर दी गई है। अब हमें यहीं पर घूमकर वापस नीचे जाना पड़ेगा। यहाँ उतरकर यहाँ कुछ फ़ोटो क्लिक किए हैं, ये वीडियो ज़्यादा लंबी होने के कारण इसके बाद की वीडियो हमारे नेक्स्ट पार्ट में देखें। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।